बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द एक बार फिर से छलका है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जनता के बीच काफी एक्टिव हैं और भोपाल में एक कार्यक्रम के समय उन्होंने इशारों इशारों में कई लोगों पर बड़ा कटाक्ष किया है। और मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो साहब साहब बोलेंगे, लेकिन कई लोग रंग दिखा देते हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा। तो दर्द छलका है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ये जो टीस उनके मन की सामने आई है, उन्होंने क्या कहा है आपको बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रंग देखते हैं राजनीति में, जो तमाम तरह के लोग हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। वो ये कह रहे हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं, मुख्यमंत्री अगर आप हैं तो बोलेंगे भाई साहब आपके चरण कमल के समान है। वो कर कमल वाली जो बात आपने सुनी है ना, वही वो कह रहे हैं। लेकिन कुर्सी से हटे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग, ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। और उनकी इन्हीं बातों के दरमियान अब आप समझ सकते हैं कि पीड़ा उनके मन की क्या है। और साथ ही ये बयान जब से दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, ये सोशल मीडिया एक्स के ऊपर बड़ी तेजी से वायरल होता भी दिखाई दे रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रंग देखते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान है, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। लखनऊ में एक हुए हादसे के बाद 2 घंटे तक कार में फंसे लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे। वहां एक बेकाबू ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के दौरान उस कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए और दर्दनाक हादसे के 2 घंटे बाद भी उस कार में फंसे रहे। इस बीच वो 3 लोग अपनी मदद के लिए चिल्लाते रहे और वहां से गुजर रहे लोग जब उनके पास पहुंचे तो खौफनाक मंजर देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि हादसे के बाद वहां की जो तस्वीर दिखाई दी वो बेहद खतरनाक थी। वहां वो कार पूरी तरह पलटी हुई नजर आई और उसमें बैठे 5 लोग उसके अंदर फंसे दिखे। उनमें एक आदमी जिसका आधा शरीर कार से बाहर था, वो लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन इसके बाद भी लोग कार में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय उनका वीडियो बनाते रहे। खबर के मुताबिक 2 घंटे तक कार में फंसे लोगों में 2 की मौत हो गई जबकि 3 बुरी तरह घायल बताए गए। बताया गया ये सभी लोग कार में सवार होकर लखनऊ में चारबाग स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दिल्ली के राजेंद्र प्लेस इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब देर रात वहां एक इमारत की लिफ्ट में 10 लोग फंस गए। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उस लिफ्ट में फंसे लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी लिफ्ट अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। इसी वजह से कई घंटों की मेहनत के बाद लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा काट कर उसमें मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया।